आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत गांव की तरफ जहाँ की सुंदरता और पुरानी जिंदगी के अंदाज आपके दिल को छू लेंगे। हाँ, यह है अंगाईकोट तुलैल वैली का सबसे खूबसूरत गांव। विलेज वॉक शुरू होता है हमारे कदम गांव के पुराने लकड़ी के घरों की तरफ। यहाँ के घर उनकी लकड़ी की खुशबू, उनके आर्किटेक्चर से भरे हुए हैं। ये जगह आपको एक जमाने की जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। पुराने स्टाइल के जीवन के ये अनोखे अनुभव में लोगों का आज भी अपनी परंपराओं को मानना, ये आपको हैरान कर देता है। किस तरीके की जिंदगी यहाँ जी जा रही है जो आपने आज से पहले कभी देखी नहीं होगी। इनके शेल्टर्स को देख के ये पता चलता है कि इनका विंटर कितना हार्श होगा और इस हार्श विंटर्स में ये किस तरीके से अपने पालतू जानवरों को पाल रहे होंगे। स्टोर करते हैं लकड़ियों को, ये स्टोर करते हैं फूड वगैरह को, और ये स्टोर करते हैं जो इनके माल मवेशी घरों में होते हैं उनके लिए भी फूड स्टोर करते हैं, और किस तरीके से वो ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा सफ़र होता है नदी की तरफ, जहाँ पे हम मीडोज़ वगैरह को भी एक्सप्लोर करते हैं और नदी की खूबसूरती को भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल, ये ठंडी ठंडी हवाएं, मैं तो महसूस कर पा रहा हूँ, इवन मेरी स्किन हर जगह महसूस कर पा रही है इस ठंडी ठंडी हवा को, यहाँ की खुशबू को। अगर आप भी यहाँ आ जाएंगे और इस खुशबू को महसूस करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि इस टाइम पे मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हो रही होंगी। तो ये जो खूबसूरत नदी आप देख रहे होंगे, ये खूबसूरत नदी जो है ये किशन गंगा रिवर है, जो कि बहुत ही फेमस रिवर है। उसका पानी, इसके पानी के अंदर की मिठास, ये पानी यहाँ से ही होते हुए गुरेज वैली में एंटर होता है, और ये अभी अनपोल्यूटेड पानी है, उतना पोल्यूशन इसके अंदर ऐड नहीं होता। लेकिन हाँ, जब ये गुरेज वैली के अंदर पहुँच जाता है तब तक ये पोल्यूटेड हो जाता है। तो अंगाईकोट विलेज इतना दिल को छू लेता है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। मन चाहता है कि बस यहीं पर रह लूँ हमेशा हमेशा के लिए। क्या सुकून की जिंदगी है, क्या पीस यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, एकदम शांति, ना कोई शोर ना शराबा, कुछ भी नहीं है। ऐसी जिंदगी जीना, क्या मजे की जिंदगी है। हाँ, हम मैं तो ये समझ रहे हैं, यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं कि आपको लगता है कि यहाँ की जिंदगी में मजा है, बट यहाँ मजा नहीं है। हाँ, समझ सकते हैं कि हम जिस तरीके से सिटीज वगैरह में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, पोल्यूशन के अंदर रहते हैं, शोर शराबे के अंदर रहते हैं, काम के शेड्यूल में बिजी रहते हैं, लेकिन फिर काम को छोड़ के जब कुछ टाइम के लिए आप रेस्ट लेते हैं तो ऐसी जगह आपके दिल को सुकून दे देती है। रियल फीलिंग अपने अंदर से आ जाती है और अपने आप को आप रिचार्ज कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आई होगी जिस तरीके से मुझे ये जगह पसंद आई है। तो अपने दोस्तों के साथ आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए और इस जगह का खूब आनंद उठाइए। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। आशा करता हूँ कि आपने अभी तक मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।